नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज यह वीडियो या लेक्चर नंबर 4 शेयर किया जा रहा है, जिसमें हम टर्म सिंबल्स एंड ऑर्गल डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। लास्ट वीडियो में हमने रसेल साउंडर कपलिंग और उसके परिणाम स्वरूप टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ रसेल साउंडर टर्म्स इन वीक और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। वीक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनमें जो रसेल साउंडर टर्म्स हमने किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए रसेल साउंडर टर्म्स को डिटरमाइन किया था, उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स होती हैं और उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है। तो सबसे पहले हमने रसेल साउंडर टर्म्स जो प्रीवियस वीडियो में देखी थी, जो कुछ इस तरह से हैं, उनकी टर्म्स S, P, D, F, G, H एंड I ये डिसाइड होती है उसके टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के आधार पे। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो टर्म होगी S, 1 है तो P, 2 है तो D। इस तरह से ये इनकी रसेल साउंडर टर्म्स होती हैं, और जब इनका स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम स्प्लिटिंग देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है। S स्प्लिट होता है A1G में, P स्प्लिट होता है T1G में, D होता है EG एंड T2G, इसी तरह से F A2G, T1G, T2G में, इसी तरह से G, H और I भी फर्दर स्प्लिट हो सकते हैं। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे, जस्ट फॉर नॉलेज है कि ये इस तरह से इनकी स्प्लिटिंग हो सकती है। इसी तरह से एक और टर्म आती है मुलिकन सिंबल। जो हम मुलिकन सिंबल लिखते हैं उसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं, उसके बारे में जानकारी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए जो उसमें यूज होता है, ए मीन्स नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल, बी मीन्स नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल, ए है सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल सी एन एंड बी अनसिमेट्रिक टू प्रिंसिपल सी एन, ई मीन्स डबल ई डी जनरेट ऑर्बिटल, टी मीन्स ट्रिपल ई डीजेनरेट ऑर्बिटल, जी जो सबस्क्रिप्ट में हम जी और यू का यूज करते हैं उसका मतलब होता है सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन, एंड यू मीन्स अनसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसी तरह से हम सबस्क्रिप्ट में वन और टू का भी यूज करते हैं, जैसे ए वन टू, टी टू एटसेट्रा। तो वन का मतलब होता है सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू सी टू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सी एन, एंड टू सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है अनसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सी टू। सुपरस्क्रिप्ट में हम सिंगल नोट या डबल डैश लगाते हैं, इनका मतलब भी सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच एंड अनसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच। ये इतनी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज हमने आपको यहाँ पे शेयर किया है कि इनमें जो जो सिम्बल्स यूज होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। मल्टीपल टर्म सिंबल्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो डी कॉन्फिग्रेशन, हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हमें ट्रांजिशन मेटल में डी कॉन्फिग्रेशन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। यदि हम 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इनकी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं उनकी टर्म सिंबल किस तरह से निकालते हैं। D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन यदि है तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 2D, इसी तरह से D2 D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो ग्राउंड स्टेट 3F, उसके अतिरिक्त ये वाली टर्म्स भी उसमें पाई जाती हैं 3P 1G 1D 1S। ये D2 के लिए हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि उसके लिए कौन कौन सी टर्म सिंबल्स हम बता सकते हैं, और उसमें से
जो सबसे स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है उसको हमने हुंड के रूल से डिसाइड किया था कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल, इट विल बी डिसाइडेड बाय हुंड्स रूल, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जिसकी हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, उसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म कहते हैं। चूंकि यहाँ पे दो टर्म्स में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो जिसमें एल वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में कंसिडर करते हैं। इसी तरह से D3 D7 हो तो उसकी 4F ग्राउंड स्टेट होगी। इसके अलावा ये एक्साइटेड टर्म्स और होती हैं, D4 D6 5D टर्म होगी, देन दीज आर मोर एक्साइटेड टर्म्स। इसी तरह से D5 की 6S ग्राउंड टर्म होती है और उसके अलावा इसकी ये टर्म्स पाई जाती हैं। तो इस टेबल में टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम DN कॉन्फिगरेशन फॉर 3D आयंस और टर्म सिंबल जिसे हम बोलते हैं, जो हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में, या हम जिसे कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल, ये इस तरह से होता है D0 की 1S0। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे D1 और D9 की ग्राउंड टर्म को 2D लिख रहे हैं, यहाँ पे हम D1 की टर्म को 2D 3/2 लिख रहे हैं। तो ये बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक्चुअल में जो हमने बताया था कि L ग्राउंड टर्म सिंबल के लिए हम बेस वैल्यू L लेते हैं, उसके सुपर स्क्रिप्ट में M जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, और सब स्क्रिप्ट में होता है J रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट कॉन्फिग्रेशन। लेकिन J की वैल्यू को बहुत सारी बुक नहीं लिखते हैं, केवल स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर के आधार पर टर्म सिंबल लिखा हुआ है। और यदि हम एम एल जे के आधार पर लिखते हैं तो ये जो सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसकी जे वैल्यू है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम नंबर। जे की वैल्यू हमने बताया था कैसे डिसाइड करते हैं, यदि लेस देन हाफ बिल्ड है तो एल प्लस एस के द्वारा डिसाइड करेंगे, एल माइनस एस के द्वारा, और यदि मोर देन हाफ फील्ड है तो हम एल प्लस एस के द्वारा उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ टर्म सिंबल्स के बारे में है कि किसकी किसी कॉन्फ़िगरेशन की कितनी टर्म सिंबल्स हम बना सकते हैं। जो टर्म एक से ज्यादा टर्म सिंबल है, एक से ज्यादा जो इसकी टर्म सिंबल है वो डिसाइड की जाती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह, कौन से ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसे डी के 5 ऑर्बिट होते हैं, यदि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो 5 में से कौन से ऑर्बिट में होगा, या उसके कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑरिएंटेशन है, उसको हम माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। कि उस किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन को डिसाइड करते हैं माइक्रोस्टेट से। द इलेक्ट्रॉन मे बी फील्ड इन ऑर्बिटल बाय डिफरेंट अरेंजमेंट सिंस द ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एम एल वैल्यूज एंड इलेक्ट्रॉन्स मे ऑल्सो ऑक्यूपाई सिंगली और गेट पेयर्ड। अर्थात इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, वे सिंगली ऑक्यूपाइड हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, या डबली या पेयर्ड फॉर्म में रह सकते हैं। ईच डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गिव्स राइज टू ए माइक्रोस्टेट। तो हर जो उसका अरेंजमेंट होता है वो एक माइक्रोस्टेट जनरेट करता है। दिस ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो किसी भी कॉन्फिग्रेशन के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं, जिसको हम एक फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं, जिसका हम आगे और स्टडी करेंगे। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर P2 कॉन्फिग्रेशन आर गिवन इन टेबल फॉर बोथ एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट। ये P2 कॉन्फ़िगरेशन यदि होता है तो उसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होती हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ईच वर्टिकल कॉलम इज वन माइक्रोस्टेट। जो ये एक वर्टिकल कॉलम है ये एक माइक्रोस्टेट है, तो इसमें टोटल 15 वर्टिकल कॉलम है, इसकी 15 माइक्रोस्टेट्स पाई जाती हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन की। इन द अबव डायग्राम द अरेंजमेंट ऑफ सिंगलेट स्टेट और of paired configuration given in A is not different from that given in B and hence only one arrangement for each ML value. Singulate state अर्थात P2 configuration है, तो उसमें हम क्या देखते हैं
कि दोनों पी इलेक्ट्रॉन जो हैं दो अलग अलग ऑर्बिट में हो सकते हैं। ये इसकी ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू आती है 3। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यदि हम निकालते हैं 2s+1 फॉर्मूले से तो वो आती है 1। तो इसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट, और ये कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अनपेयर्ड में है इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो सिंगलेट स्टेट है, अर्थात जहाँ पे पी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, वो ए और बी दो कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं, पर दोनों ही सेम होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ए और बी में क्या डिफरेंस है। तो ये टोटल इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि P2 कॉन्फ़िगरेशन में ये 15 पॉसिबिलिटीज हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन +1 और 0 में है, यहाँ पे +1 और -1 वाले ऑर्बिटल में है। इस तरह से इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। ए और बी क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो ए कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हम देख सकते हैं, फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बी में इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट डाउनवर्ड है, सेकंड अपवर्ड है। कोई सी भी कंडीशन हो वो सिंगलेट स्टेट ही होगा, उसके अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए इसको हम ए की कंसिडर करते हैं। अब जब हम इसकी पॉसिबिलिटीज, ये तो हमने निकाली है, अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसी कॉन्फिग्रेशन के लिए कितने होंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है? n इज द ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको हम कह सकते हैं ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस ऑर्बिट में आ सकते हैं, उसमें आ सकते हो, एक ही बात है। और आर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहां पे जितने एक्चुअल में है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन इज द ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मान लीजिए पी ऑर्बिटल हम लेते हैं तो उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी कॉन्फिगरेशन लेते हैं तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो दैट मीन्स एन की वैल्यू होगी 6। और अगर हम देखें तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इस हिसाब से वो भी राइट है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, वो उसकी एन वैल्यू है। एंड दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। तो फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन एन की वैल्यू हो गई 3 × 2 = 6, और आर की वैल्यू हो गई 2, और एन माइनस आर इक्वल टू 6 − 2 = 4। अब इन सबको यदि हम रखते हैं तो 6 का यदि हम फैक्टोरियल निकालते हैं, तो फैक्टोरियल हम किस तरह से निकालेंगे, 6 और उसके लोअर सारे नंबर्स 1 तक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 6 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज 720। इसी तरह से 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 × 1 दैट इज 2। 4 का फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24। तो इन सब वैल्यूज को यदि हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 15। दैट मीन P2 कॉन्फिग्रेशन के लिए जो माइक्रोस्टेट है वो 15 है। इसी तरह से यदि हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखें, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए तो आप देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो फैक्टोरियल इसका 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, फैक्टोरियल 2 × 1, और n माइनस आर मीन्स 10 − 2 मतलब 8। तो 8 का फैक्टोरियल 8 को 1 तक मल्टीप्लाई करा तो इसका वैल्यू आता है 45। अर्थात D2 कॉन्फ़िगरेशन की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हुई, 45। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है, D1 D9 के लिए 10 माइक्रोस्टेट्स होंगी, D2 D8 के लिए 45 माइक्रोस्टेट्स, D3 D7 के लिए 120, D4 D6 के लिए 210, D5 के लिए 252 एंड D10 के लिए 1 माइक्रोस्टेट। आप इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके और इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स। जो एनर्जी स्टेट्स हमने किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाली हैं, उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कोई भी एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो जाती है दो स्टेट्स में और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा द सिंबल ए या स्मॉल ए और बी और स्मॉल बी विथ एनी सफिक्स इंडिकेट वेव फंक्शन विच आर सिंगली डिजेनरेट।
ए और बी हमने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि ये सिंगली डीजेनरेट होते हैं। इसी तरह से ई या स्मॉल ई डबल डीजेनरेसी को इंडिकेट करता है और कैपिटल टी और स्मॉल टी ट्रिपली डीजेनरेसी को इंडिकेट करता है। लोअर केस सिंबल, अब भी आप बार बार आप देख रहे हो, कभी हम स्मॉल ए वन जी लिख रहे हैं, कभी हम कैपिटल ए वन जी लिख रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है? लोअर केस सिंबल्स आर यूज टू इंडिकेट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के लिए होते हैं, एंड अपर केस सिंबल्स आर यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, अर्थात उसका एनर्जी लेवल को हम जो इंडिकेट करते हैं वो अपर केस सिंबल, अर्थात उसमें कैपिटल टी का यूज किया जाता है। अगर स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं दैट मीन्स दिस इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, एंड यदि हम कैपिटल लेटर या अपर केस सिंबल का यूज करते हैं दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अपर केस सिंबल्स आर ऑल्सो यूज विदाउट एनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी टर्म एंड देन रेफर टू सिमेट्री, अर्थात जैसे हमने इसको कोई ए वन जी लिखा है, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखी हुई है, ये सिमेट्री के लिए यूज हो रहा है। द सबस्क्रिप्ट जी एंड यू इंडिकेट जीरेड मीन्स इवन एंड अनजीरेड मीन्स ऑड। अब जिस तरह से हमने क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल जो होता है जनरली स्प्लिट होता है टू सेट्स में, जिसको हम कहते हैं टी टू जी एंड ई जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है डी ऑर्बिटल की, वो इन दो टाइप के ऑर्बिटल्स में हो सकती है, और यदि इनकी हम सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री को हम किससे करते हैं? अपर केस सिंबल से, तो इनकी सिमेट्री हो जाएगी टी टू जी एंड ई जी इन कैपिटल फॉर्म्स। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल, इसकी स्प्लिटिंग हमने नहीं पढ़ी है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल जो स्प्लिट होता है वो तीन सेट्स में स्प्लिट होता है, ए टू यू, टी टू यू एंड टी वन यू। तो इनकी सिमेट्री को हम लिखेंगे कैपिटल ए टू यू, कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में टू यू एंड कैपिटल टी वन यू। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया जो मूलिकन सिंबल्स में कि ये टू किसके लिए यूज होता है, टी किसके लिए यूज होता है, ए किसके लिए यूज होता है, ये सब हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी स्टेट, अभी हमने क्या देखा था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट की वजह से होती है उसमें हम डी ऑर्बिटल को लिखते हैं स्मॉल डी, और स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप टी टू जी भी स्मॉल और ई जी भी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअर केस सिंबल। यदि हम डी कैपिटल लिख रहे हैं दैट मीन्स ये एनर्जी स्टेट है, ठीक है, टर्म सिंबल है, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी स्टेट पैरेलल द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल एंड दिस इज डी स्टेट, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या अंतर है। स्मॉल डी इज द डी ऑर्बिटल, कैपिटल डी इज द डी स्टेट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ एफ स्टेट, कैपिटल एफ स्टेट स्प्लिट्स पैरेलल स्प्लिटिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। जिस तरह से हमने डी और एफ ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग का अध्ययन किया है उसी तरह से हम डी और एफ स्टेट्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ स्टेट स्प्लिट इंटू आइदर टी वन यू, टी टू यू एंड ए टू यू, और टी वन जी, टी टू जी और ए टू जी सबसेट्स। एफ जो स्टेट है वो दो तरह से स्प्लिट हो सकती है, या तो इन तीन स्टेट्स में या इन तीन स्टेट्स में। विच ऑफ दीज इज करेक्ट इज डिटरमाइंड बाई जी और यू नेचर ऑफ द कॉन्फिगुरेशन फ्रॉम विच एफ स्टेट इज डिराइव्ड। ये आप टी के साथ में यू सबस्क्रिप्ट यूज करोगे या टी के साथ में जी सबस्क्रिप्ट यूज करोगे, ये डिसाइड करता है जीरेड और अनजीरेड पे, अर्थात वो एफ स्टेट आपकी कहाँ से डिराइव हुई है। यदि एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वे यू इन कैरेक्टर होते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं, तो उनके लिए टू एफ स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू एफ वन कॉन्फिग्रेशन। यदि हम एफ वन कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो वो स्प्लिट होता है इसमें 2T1U, 2T2U एंड 2A2U। सिमिलरली 3F स्टेट डिराइव फ्रॉम D2 कॉन्फ़िगरेशन। यदि D2 कॉन्फ़िगरेशन है उससे आपको स्टेट मिलती है 3F, तो वो स्प्लिट होगी T2G, T1G और A2G में।
यदि आपका F1 कॉन्फ़िगरेशन है और उससे आपको स्टेट मिलती है 2F, F1 कॉन्फ़िगरेशन से स्टेट मिल रही है 2F, तो उसकी स्प्लिटिंग T1U, T2U और A2U में होगी। स्टेट में सुपरस्क्रिप्ट में 2 का यूज है, तो स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप भी जो टर्म्स हमें मिलती हैं उनमें सुपरस्क्रिप्ट में 2 का यूज होगा। अर्थात F कॉन्फ़िगरेशन से आपको F कॉन्फ़िगरेशन मीन्स F1 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम स्मॉल F लिखते हैं, F1 कॉन्फ़िगरेशन से यदि आपको 2F स्टेट मिल रही है तो उसकी स्प्लिटिंग T1U, T2U और A2U में होती है, क्योंकि F जो ऑर्बिटल है वो अनजीरेट होता है। यदि D2 कॉन्फ़िगरेशन से आपको 3F स्टेट मिल रही है तो उसमें स्प्लिटिंग T2G, T1G एंड A2G में होती है, क्योंकि D ऑर्बिटल G इन कैरेक्टर होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि F स्टेट की स्प्लिटिंग कब T2G, T1G और A2G में होगी और F स्टेट की स्प्लिटिंग कब T1U, T2U और A2U में होगी। अर्थात वो F स्टेट कौन से कॉन्फ़िगरेशन से आपको मिल रहा है, F स्टेट F1 कॉन्फ़िगरेशन से मिल रहा है या F स्टेट D2 कॉन्फ़िगरेशन से मिल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू D1 टर्म ये हम डिस्कस कर चुके हैं। S इज एन स्प्लिट एंड गिव्स A1G, S का एन स्प्लिट है, इसी तरह से P भी एन स्प्लिट होता है और ये केवल एक स्टेट देता है T1G, ठीक है। सब स्टेट जो होता है स्प्लिटिंग के बाद में, D स्प्लिट होता है तो दो स्टेट्स देगा T2G, F भी स्प्लिट होता है तो ये दो तीन स्टेट देगा A2G, T1G, T2G। तो इस तरह से हमने इनकी स्प्लिटिंग और किस तरह से इनकी स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होने के बाद में ये किन किन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑर्गेल डायग्राम क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टर्म सिंबल्स और उनकी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म सिंबल्स, एनर्जी स्टेट्स के बारे में सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टर्म सिंबल्स के आधार पर ऑर्गेल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।